नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मध्य प्रदेश में नई सरकार का भी विस्तार भी नहीं हुआ है और सरकार ने बड़ा कर्ज लिया है। राज्य में सीएम मोहन यादव की सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू होने के पहले महीने में 2000 करोड़ का लोन लिया है। वही जो है ये कर्ज 16 साल के टेन्योर पर लिया गया है, जिसे 2039 तक चुकाना होगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार का गठन होने के बाद मोहन सरकार ने पहली बार कर्ज लिया है। आर्थिक गतिविधियों और विकास कार्यों का हवाला देकर सरकार ने 2000 करोड़ रुपए का ये कर्ज लिया है, जिसे 16 साल में चुकाना होगा। इस कर्ज के संबंध में वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। ये रकम सरकार के खजाने में 27 दिसंबर को आएगी, जिसे साल 2039 तक चुकाना होगा। वहीं एमपी में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी रकम का कर्ज लिया था। सितंबर के पहले महीने में एमपी सरकार ने 12000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके बाद 18 अक्टूबर को सरकार ने 1000 करोड़ का और लोन लिया था। इसके बाद जो है 8 दिन बाद ही फिर 2000 करोड़ रुपए और कर्ज ले लिया है। और वोटिंग के 5 दिन बाद जो है 22 नवंबर को 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लिया था। बता दें कि यादव सरकार को शिवराज सरकार से पहले ही 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। ये था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।